चौथे चरण चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के भीतर जोश भरने के लिए लोकसभा बहराइच के महसी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर करारा वार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2014 से पहले बहन बेटियां डर के मारे अपने घर से नहीं निकलती थीं, लेकिन मोदी योगी की सरकार में अब किसी के भीतर कोई डर जैसा माहौल नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह ने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम एवं जनता के आशीर्वाद से हम एक तरफा जीत रहे हैं। एक बार फिर देश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। किसी भी देश के मुखिया भारत आकर सबसे पहले भगवान की शरण में जाता है, ये गर्व की बात है। आपको बता दें कि जनपद बहराइच में चौथे चरण में चुनाव होना है, ऐसे में सभी पार्टियों के नेता जनता के बीच खुद को बेहतर साबित करने में जुटे हुए हैं। एक ही बार देश के अंदर करोड़ों लोगों का अपना आवास है, शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, किसान सम्मान निधि है और घर का कर्नल कनेक्शन है अपने लोगों का। आज वो लोग अपने को गौरवित महसूस करते हैं और आदरणीय मोदी जी के लिए रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा जनता जनार्दन कर रही है और कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। देश के अंदर मोदी जी, राज्य के अंदर योगी जी ने 14 के पहले आप देखे थे 5 बजे के बाद बेटी नहीं गिर सकती, गुंडागर्दी था राज्य। आज बंटाइया मुसहर को भी, थारू को भी आवास मिल रहा, पहले आवास नहीं मिलते थे। आज सभी गरीबों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सभी को पक्का मकान, यही नहीं किसी वार्ड में जाएंगे तो मुस्लिम वार्ड में भी 200 मकान, मुसलमान सभी लोगों को मकान। लेकिन सपा बसपा कांग्रेस यह हालत हो गई कि वह कहते हैं मेरी सरकार बनेगी तो पहला हक मुसलमानों का होगा, और हम कहते हैं मेरी सरकार बनेगी तो सभी का विकास करेंगे और देश में मान सम्मान बढ़ाएंगे। और दुनिया में कोई भी राष्ट्रपति आया अभी तक गंगा आरती भोलेनाथ कल से किया, इसलिए वह प्रभु राम को नकारते थे। आज मोदी जी के आने के बाद दुनिया का कोई राष्ट्रपति आता है तो भोलेनाथ का अभिषेक करता है, गंगा आरती करता है, प्रभु राम श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में दुनिया लोग दर्शन करने आ रहे हैं। कि हमारे जो युवा प्रत्याशी हैं भाई आनंद गौड़ जी को पिछले बार का रिकॉर्ड निश्चित रूप से टूटेगा और भारी मतों से उनको विजयी बनाने का आप लोग संकल्प ले चुके हैं। और ये जो महसी विधानसभा कार्यक्रम है विधानसभा का मुकाम लेती है, तो पिछली बार हम 60 में 62 से जीते थे।